नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों आज जीके के इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चंस हल करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि एसएससी, यूपीएससी, पुलिस, क्लर्क, टीचर्स आदि की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेग कैसी राशि है? सदिश राशि। संविधान के प्रारूप पर अंतिम भाषण कब समाप्त हुआ? 26 नवंबर 1950 को। कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? पोटेशियम। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? सारनाथ। उमा की तपस्या शिव पार्वती बसंत प्रणाम किस चित्रकार की उत्कृष्ट पूर्ति है? नंदनलाल बोस की। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? SLV-3। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? स्वास्थ्य मंत्रालय। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को क्या कहा जाता है? तारा। बनी थनी किस शैली, किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया? 26 नवंबर 1950 को। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाया है? जड़त्व का नियम। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्डो द विर्सी की। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की थी? लियोनार्डो द विंची ने। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष तक की आयु के पूर्व मर्त शिशु को शामिल किया जाता है? 1 वर्ष के पूर्व। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? सहना ए मंडी। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? बिहार की। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? सीसा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दीवाने रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब को। बेगम अख्तर गायन की किस विधा ने संबंध है? गजल गायकी से। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूर के बराबर होता है? 9.46 × 1012 किलोमीटर। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? सूर्य की किरण से। भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 640। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? फिरोज शाह तुगलक। माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध है? वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से। पदार्थ के स्वेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? J.B. कृष्णलानी। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? असमांग मिश्रण। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किससे दक्कन का सूबेदार भेजा था? शाइस्ता खा को। यहूदी मेनुहिन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? वायलिन। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 सेंटीग्रेड होता है वो क्या कहलाता है? सौर कलंक। विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? हृदय का। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक।
किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों का यह निर्देश दिया कि वे असद खां को वजीर बनाए? औरंगजेब ने इटनी यूटस किस क्षेत्र से संबंध थे पॉप गायकी से? किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? पुरुष का। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्जित है? अनुच्छेद 16। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। शिवाजी ने किस भाषा का राज्य भाषा बनाया? मराठी को। तरनेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? गुजरात का। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना है? 1/6। कौन सा भारत का अंतिम वायसराय था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना की गई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 ईस्वी में। समावानी किस धर्म से संबंधित त्यौहार है? जैन धर्म से। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिनने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है? समान। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की? अनुच्छेद 16। किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? क्रिस्टल विधि द्वारा। किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नवरोज किन लोगों का नया वर्ष है? पारसियों का। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रेक्षण किस वर्ष में किया गया? 1980 ईस्वी में। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1961 से लेकर 1967 ईस्वी तक को। किसने कहा कि विदेशी राज चाहे कितना अच्छा होना क्यों उन्हें स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? दयानंद सरस्वती ने। उगादी उत्सव की किस राज्य से में मनाया जाता है? कर्नाटक में। क्रोमोसोम की रचना में कौन कौन से भाग लेते हैं? डीएनए ए प्रोटीन। अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? अस्पृष्टता का अंत। एक किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? 9.8 न्यूटन। उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक है? सित्रित गुचर मृद बांड। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। मैडोना किसकी चित्रकृति है? राफेल इटली की। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया? पशुओं की चोरी का। साइलेट वैली किस राज्य में है? केरल में। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत सकरण। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्जित है? अनुच्छेद 19 में। एजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। आर्य का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? कृषि। सत्य किस धर्म से अनुयायी का पूजा स्थल है? बौद्ध धर्म का। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष में हुई? 1900 ईस्वी में। योजना काल वास के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? परमेश्वर की। बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? घर्षण के अभाव में। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। किसका सामान्य नाम न्यूक्लिन ऑन है? प्रोटीन या न्यूट्रॉन का। किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने लिखा निज भाषा उन्नति आए सब उन्नति को मूल? पार्थेंदु हरिश्चंद्र ने। पृथ्वी के किस परत पर निर्माण चिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है? भू प्रपटी।
मानव शरीर का कौन सा सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय। भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? निर्यात का विद्युतीकरण, बादामी तथा वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अल्बो निशानी अब न नसेओ पद तुलसीदास किस कृति से मिलती है? विनय में, विनय पत्रिका में। रेबीज का टीका किसने बनाया? लुई पाश्चर ने। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाला व्यक्ति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई? जयसिंह और शिवाजी के मध्य। सम्राट अकबर का द्वारा किसको सरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? मोहम्मद हुसैन को। महजब नहीं सिखाया आपस में बैर रखना, ये पंक्ति किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की। पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? भू प्रपटी को। कौन सा सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? हैदराबाद का निजाम। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किसको सीसी कलम की उपाधि से नवाजा गया? अब्दुल समद को। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेला मिला तो यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? चौहानलाल द्विवेदी द्वारा। कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? कृष्ण। सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? वीवी गिरी। किसने क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है हाइपोक्लोरस अम्ल में? पिट्राइड यूरा का प्रारंभ किसने करवाया? जहांगीर ने। किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? ऑस्ट्रेलिया का। भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। नासा के एक टेलीस्कोप कैल्पर मिशन का प्रमोशन कब किया गया? 7 मार्च 2009 को। एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? दाहेज में। किस व्यवसाय के कार्यकाल में भारत की संविधान सभा का गठन हुआ? लॉर्ड वेवेल के। किस देश का राजनीतिक दल बात पार्टी है? इराक का। मावर्त बीजी के किस कुल से नारियल संबंध है? पाल्मी। अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचन हुए है किस राज्य से संबंध है? आंध्र प्रदेश। सीढ़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबंध है? गति के तृतीय नियम से। जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लिमेट एटली। सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? भारत की। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? पिघला दर। आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? मैकियावेली को। किस वर्ग के देशों के साथ साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? ओपेक के साथ। वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? 14 जून 1945 को। CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। लोहे पर जंग लगाना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। एनजीओ स्पर्म के कुल किस कुल से गणना संबंध है? ग्रैमीनेस कुल से। ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को कहा जाता है? अमाजू। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। सेन वो सेंसुरी माई टॉप सैन वॉन सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है? सैन वॉन की। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई? 1970 से 1971 में।
ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? अनार्थ अनायरों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1979 में। एक आदमी 5 किलो का एक सूटकेस पकड़े तो उनके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्री परिषद विचार करे तो वह इनकी सूचना किससे देता है? प्रधानमंत्री को। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दुगुना। क्वाथन ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? अर्थवेद से। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1947 में। कोटोपेक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? इक्वेडोर में। एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? ल्यू वेन हॉक ने। केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? भूमि के प्रयोग के लिए। इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? मिड़हास उस सिराज को। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सेब का खाने का योग्य भाग क्या कहलाता है? गुद्देदार पुष्पासन। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन क्षेत्र। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? अल्पाइन हलचल के दौरान। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आल्ग मैसूर युद्ध किया जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था? लॉर्ड वेलेजली। हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य था या अत्यंत कम था? मोटे अनाजों पर। पांडे शासकों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थिर ऊर्जा। किसके निधन के पश्चात गुलजारीलाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गैस विसरण की दर का अनुपात क्या है? अनुपात 4। चेन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया? प्राकृत। नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? रॉकी। सेंजाऊ 2 एवं सेंजाऊ 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है? चीन के। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1840 ईस्वी में किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिख जाता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है? अतारांकित प्रश्न। किस उपकरण का द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? माइक्रोफोन द्वारा। प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की थी? दुर्लभक ने। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। एशिया माइनर या दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? काला सागर। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहते हैं? मैकियावेली को। रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया? दाहेज। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी महान शासक कौन था? मीर भोज। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया गया? 18 जुलाई को।
सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? इथाइल मर्केटन। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? अनुच्छेद 79 में। दारोगा जी किस फल की विकसित प्रजाति है? बैल की। सांसी के उत्सव का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया गया? 19 जुलाई को। बेरिंग जल मडरू मध्यम किन दो दोस्तों के मध्य? अमेरिका और रूस। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? क्रिकेट के। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली। पाली में। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण में। लोकसभा में अविश्वासी प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्य की सहमति आवश्यक है? 50 सदस्यों की। बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन होता है? 65% भाग। अशोक के साथ स्तंभ लेख किस कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं? जल थल सेना का प्रमुख कौन होता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। किनकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति क्लोरोप्लास्ट में। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेलवे। किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? डॉक्टर डी आर सिंह ने। किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व? उत्तर प्रदेश का। भारत में किसी फ्रांसीसी कंपनी का स्थापक किसे माना जाता है? कोबाल्ट को। सल्तनतकालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया गया? मुबारक खिलजी ने। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? पुणे में। यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। किसने कहा कि भाग्य लिखने की कला नहीं जानते? मेगा स्टनीज ने। किस एकल उद्यम में सर्वकालीन लोग कार्यरत है? भारतीय रेलवे में। कौन सा सुल्तान नया धर्म सलाना चाहता है किंतु अनुलेमाओं ने विरोध किया? उलेमाओं ने इनका विरोध किया। अलाउद्दीन खिलजी। थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिमला में। सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन का होता है? 70%। भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? सर्वोच्च न्यायालय में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मनी सिल्वर का कितना मिश्रण है? किसका मिश्रण है? कॉपर जिंक और निकेल का। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष में हुई थी? 12 अगस्त 1756 ईस्वी में। भारत में सरलित न्यायालय का विचार किसकी देन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। भारत में कृषि जोत का अधिकतम आकार किस राज्य में है? राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटक संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्लोरिडा में। वर्ष 1976 ईस्वी तक IDBI किस बैंक का अनुशंसी बैंक था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह। भारत सरकार ने किस देश की नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया? गंगा। पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? बकरी कश्मीरी से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लिफाफे पर गोंद लगाकर डाक टिकट किस बैल के कारण चिपकता है? आसंजक बल के कारण। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन पंजाब का था शासक? दिलीप सिंह। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री
बेनजीर भुट्टो की हत्या कहाँ हुई थी? रावलपिंडी में। कोच्चि का जूलिया नगर कौन सा है? एर्नाकुलम। किसे मानववाद का संस्थापक कहा जाता है? पेट्रोक को। आईडीबीआई में भारत का सरकार की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? 52.71%। पंद्रह अगस्त 1947 को यानी जिस दिन भारत को आज़ादी मिली थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष में लागू हुआ? 2005 में। पीतल का बर्तन किन अवयव द्वारा बनता है? कॉपर और जिंक द्वारा। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी क्या कहलाती है? रानीखेत। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? नागौर, राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक तेलीन उत्पादक कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। वर्ष 2005 के वर्ल्ड क्रिकेट कहाँ आयोजित होंगे? ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में। आरबीआई द्वारा आईडीबीआई को कब एक अनुसूचित बैंक बना दिया गया? 11 अक्टूबर 2004 को। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग शुरू की? असम के। सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है? चीन का। सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है? 3.86 × 1.26 जूल। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जस्ता धातु का निष्कर्षक मुख्यतः किस एक्स से किया जाता है? जिंक ब्लेंड। रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई? शुंग काल में। और ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? जूलिया गिलार्ड। विश्व में मूंगफली की सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत। चावल के लिए कौन सी शैवान का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी है? नील हरित शैवाल का। किस प्रकार के बैंक भारत में कृषि साग के संस्थागत स्रोतों में प्रथम स्थान पर है? वाणिज्यिक बैंक। शुंग वंश के देवभूति की हत्या कर किसने कण्व वंश की स्थापना की? वासुदेव। कोसेवो ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किस देश से की है? सर्बिया ने। किस वृक्ष ने तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? चीड से। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? वित्त आयोग। किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन। प्रारंभिक सोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत। किसने पाटलिपुत्रों को पाली ब्रोता का मैग्ना इस्तनीज ने। आशा योजना किससे संबंधित है? सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारता था? शेखो बाबा। इग्लू की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? केंद्र सरकार द्वारा। वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड कितना सौर ऊर्जा आपतित होती है? 1370 जूल। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 35 45। निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? जल के। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। पर्वत निर्माण संबंधी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वैगनर ने। अर्जुन वृक्ष की साल किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त है? हृदय रोग। संस्थान सरकार आपके द्वारा योजना किस राज्य से संबंध है? बिहार से। मनसबदारी व्यवस्था में दू अप्सा एवं सी अप्सा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? जहांगीर ने। मारिया पोटे
पॉन्टेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है? बाल शिक्षा से। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विन पक्षी कौन सी है? कीवी। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 23। 30 सदस्य। पृथ्वी की सतह से ऊपरी या नीचे जाने पर ग्राम के मान में क्या परिवर्तन होता है? ग्राम का मान घटता है। किस वायसराय के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया? लॉर्ड सेम्सफोर्ड के। 26/11 तारीख का संबंध किस घटना से है? मुंबई में आतंकी हमला से। अफ्रीका का एकमात्र मोड़दार पर्वत कौन सा है? एटलस पर्वत। यूटोपिया किसकी रचना है? टॉमस मूर की। विवाह स्वगुण योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना? हरियाणा की। किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा शुरू की थी? लॉर्ड रीडिंग के। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1948 ईस्वी में। नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 15। रेशम उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है? बॉम्बी बक्स मोराई। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2 फरवरी 2003 को। ब्लू पर्वत को ग्रीक पर्वत नामक पहाड़िया किस देश में स्थित है? संयुक्त राष्ट्रीय राज्य अमेरिका में। वर्ष 2019 का वर्ल्ड कप क्रिकेट कहाँ खेला जाएगा? इंग्लैंड में। जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? हरियाणा में। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? मथुरा। हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है? बेबीलोन में। पृथ्वी के किस भाग पर जी का ग्राम का मान अधिकतम होता है? ध्रुवों पर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 167 के तहत। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? डीओ। प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक कौन थे? शेखर कपूर। अराकानयोमा किस देश में है? म्यांमार में। कवक की कोशिका भित्ति की किसकी बनी होती है? काइटिन की। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय क्या है? मुंबई में। कौन सा विषय अर्थशास्त्र से वर्णित है? राजनीति। फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की? राजकुमार ने। ऐजा किस कीट से फैलता है? घरेलू मक्खी से। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? साक्षाराम में। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। किस फिल्म निर्माता ने 1917 में इंडिगो फिल्म कंपनी की स्थापना की थी? दादा साहेब फाल्के ने। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? प्रशांत महासागर में। मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष कौन क्या कहलाता था? नायक। किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? शेयर बाजार को। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? मीर वर्की ने। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? सिनेमा में। पृथ्वी के किस भाग पर ग्राम का मान न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा पर। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस एक्स में किया जाता है? गेलोना पर। हिमायू नामक किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की।
द चाइना पैकेज के लेखक कौन है? जे 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 के गोलबेरथ। महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये एरी ने। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रों के कितने प्रतिशत भाग पर मैग्रोव वनस्पति है? 0.14 पर। अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा की तुलना में अधिक मूल्य प्रदान करना क्या कहलाता है? अधिमूल्यन। नागरिक सेवा के प्रतियोगिता प्रणाली परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकार किया गया? 1853 में। हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका कौन है? जे के रॉलिंग। ब्रिटेन। संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? हाइड्रोफिस। समुद्री सांप। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्यपाल को। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी के मान पर क्या असर होगा? जी का मान कम जी का मान घटेगा। कौन सा वायसराय साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? लॉर्ड डीटन। गीतांजलि की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? अंटार्कटिक महासागर में। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? मुद्रा स्फीति। किस वायसराय सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमा 21 से घटाकर 19 कर दी थी? लॉर्ड रिपन ने। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? सीसा। पंचायती राज्य किस सूची में है? राज्य सूची में। तंबाकू के मोजेक रोग का कारण विषाणु कौन सा है? TMV यानी टोबोको मोजेक वायरस। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। फणीश्वर नाथ रेणु के किस कहानी पर राज कपूर ने तीसरी कसम फिल्म बनाई थी? मारे गए गुलफाम। कंपनी अंश पर मर्यादित होने का क्या अर्थ है? निवेश राशि सीमित होना। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। एशिया महादेश के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति। गौतम बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वास किया? अजातशत्रु। उसने कहा था किस साहित्यकार की प्रसिद्ध कहानी है? चंद्रधार शर्मा गुलेरी। वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। आर्थिक नियोजन किस सूची में है? समवर्ती सूची में। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? कैंडमियन का। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्र आंदोलन के दौरान चर्चित है? पुष्प की अभिलाषा। ओबरा किसके लिए जाना जाता है? ताप विद्युत ग्रह के लिए। किस आवर्त बीजी कुल से संतरा संबंध है? रुटेसी से। किस शेयर के धारक की कंपनी वास्तविक स्वामी होते हैं? इक्विटी शेयर के धारक। फरीद को शेरखा की उपाधि किसने दी थी? बहार खाल लोहानी ने। निशस्त्र सेनानी कविता की रचना किसने की थी? माखनलाल चतुर्वेदी ने। मनुष्य में सामान्य निर्णय रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर कितना होता है? 70 से 80 ग्राम। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में है? समवर्ती सूची में। किसने मनसबदारी व्यवस्था में एक नई एवं नई प्रथा मशक्क रूप से की थी? औरंगजेब ने। शेर खान ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के जीतने के बाद धारण की? चौसा युद्ध का। व्यास सम्मान कौन सा संगठन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन। भारत में जल विद्युत शक्ति ग्रह सर्वप्रथम का स्थापित किया गया? दार्जिलिंग में। मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता है?
आर्टविक की संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण वितरण किया कहलाता है लाभांश। किसी संयुक्त कंपनी द्वारा सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह। व्यास सम्मान के तहत किसकी राशि प्रदान की जाती है? कितनी राशि प्रदान की जाती है? 2.5 लाख। तेज आंधी आने पर टीम की छत पर छत का उड़ जाना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के समय प्रमेय पर। भारतीय रेल किस सूची का अवश्य है? संघ सूची का। थुलियम का संकेत क्या है? TM। असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय कौन सा भारत का वायस रॉय था? लॉर्ड चेम्फोर्ड। शंकर पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की गई है? 1.5 लाख। भारत में कल्प कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? तमिलनाडु में। वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन स्थिति वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। किस वायसराय के कार्यकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में। किस अंग को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? पहिया को। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? महाधिवक्ता। ध्वनि का वेग अधिकतम कितना किसमें होता है? लोहा में। किस वायसराय के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ? लॉर्ड लीन थी ईगो के। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 50,000 पाउंड। प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। किस धर्म सुधार आंदोलन का प्रांत कालीन तारा कहा जाता है? जॉन विक्लिफ। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक की। अशोक के शासनकाल में आहुति बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र तीस। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस वर्ष से शुरू हुई? 1951 से ईस्वी में। घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लिया गया? अमोनिया। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? लगभग 60%। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? बारहवां शिलालेख। कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? रेमन मैगसेस पुरस्कार। कौन सा चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। बेसबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया गया? अल्फ्रेड मार्शल द्वारा। कृपाण वंश के किस शासक ने केवल तांबे के सिक्के चलवाए? कुजुल कफीसन ने। भारती सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 2.5 लाख। मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितनी होती है? 20 SZ से 20,000 SZ तक। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? असाधारण बहुमत। अम्ल राज में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनुपात कितना होता है? 1:3। मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता है? बडोस को। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। समुद्री पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। तरबूज किस आवर्त बीजी कुल से संबंध है? कुकुरबिटेसी से। आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टोव ने।
मुगल कालीन किस व्यवस्था के तहत प्रशासनिक व्यवस्था का सैन्यकरण किया गया? मंसबदारी व्यवस्था। सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया? रविंद्रनाथ टैगोर को। प्लाज्मा में प्रोटीन किस अवस्था में पाए जाते हैं? कोलायड अवस्था में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया? 1990 ईस्वी में। प्रीत दूरा का प्रथम आयोग प्रयोग किसके मकबरे में किया गया? हुमायूं के। किसके शासनकाल में दू अस्पा सी अस्पा रैंक लाया गया? जागीर के। साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अवसर लेखक कौन थी? टोनी मॉरिसन। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? चिक्की में। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का प्रारंभ किस युद्ध में अंग्रेजों की विजय से माना जाता है? प्लासी के युद्ध में। भारत के किस राज्य में निर्धन लोगों की सर्वाधिक जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश में। एनी एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? सितंबर 1916 ईस्वी में। रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया? गीतांजलि के लिए। शेर की दाढ़ और मच्छर की मन बनाहट में किसका तत्व अधिक होता है? मच्छर की बनबनाहट में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। मीन भिन्न भौतिक गुण धर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुण धर्मों वाले तत्वों को क्या कहलाता है? अपरूप। होम रूल लीग किसके प्रारंभ में किया? बाल गंगाधर तिलक ने। प्रो अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। भारत के किस नदी का जल ग्रह सर्वाधिक विस्तृत है? गंगा नदी का। विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? न्यू कैसल। जनगणना महानिबंधक पद पर किस वर्ष सृजन किया गया? 1949 ईस्वी में। नासिक के जैक्सन हत्याकांड का कौन सा प्रमुख अभियुक्त था जिसे फांसी की सजा दी गई थी? अनंत कनहरे। असगरी बाई किस क्षेत्र से संबंध है? ध्रुपद गायकी से। वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? जीन के द्वारा। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत का सामग्री बनाया गया? 1858 ईस्वी में। जीरो डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 331 मीटर प्रति सेकंड। किसे भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। विद्यावासिनी देवी किस रूप क्षेत्र से संबंधित थी? लोकगीत गायकी से। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन था? आर ए गोपाल स्वामी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1916 ईस्वी में। भानु भारती किस क्षेत्र से संबंध है? रंगशाला निर्देशन से। ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का। माले मिटो रिफॉर्म का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वासन प्रणाली। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणतत्व संयोजन उत्तरदायी होता है? एक्स वाई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने। मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबद्ध है? गायन से। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? नेपच्यून। किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? बाईजुंग भूटिया। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1979 में। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में नक्काशीदार ईंटें मिली? कालीबंगा। पडानलूर शैली और तंजोर शैली किस नृत्य की प्रमुख शैलियां है? भरतनाट्यम की।
कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है? माउंट बैटन योजना। यूएसए में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। सुत कागेंडोर और सुरकोत्रा कैसे नगर थे? समुद्र तटीय नगर। कुरीद अट्टम तथा कृष्णा अट्टम के सहयोग से किस शास्त्रीय शैली नृत्य शैली का उद्गम माया गया? कथकली को। सौर मंडल में शुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य। अनाक्सिस अवसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? इथाइल एल्कोहल। पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई? 1983 में। शूल व सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति नीति। भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? दिल्ली में। मनुष्य में मरकरी के विषाक्त अन्न में कौन सा रोग हो जाता है? मीना माता रोग। संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 12 से 35। चीनी यात्री फाहान भारत यात्रा काल 1999 से लेकर 400 साल किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चोल काल में ब्राह्मणों को दांडी की भूमि क्या कहलाएगी है? ब्रह्मोदय। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1954 ईस्वी में। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? शुक्र। मिशन रामकृष्ण मिशन की किसकी स्थापना की? स्वामी विवेकानंद ने। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। 1000 से 1026 ईस्वी के मध्य महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला के लिए प्रसिद्ध सूरजकुंड किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? ध्वनि के परावर्तन के कारण। संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? 7। किसके हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं? सिलिकॉन के। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस हिंदुशाही राजा के विरुद्ध था? जयपाल के। विश्व प्रसिद्ध हेसिस गोम्पा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। सौर मंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? 5वां। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन एरिड लैंड कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1974 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अकबर जिसे अपना जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसने जागीर ने पूरा किया, वह कार्य क्या था? मेवाड़ पर विजय। किस राज्य का विशिष्ट त्यौहार ओणम है? केरल का। एस्ट्रेबेस्टर के कारण होने वाला रोग प्रमुख रोग कौन सा है? एम्फिसेमा। किस अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18। रेडियो का संस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है? अनुनाद का। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म का? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। मकर विलकु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। किस ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है? शनि को। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन। राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव। दास्तान ए अमीर अजा का चित्रांक किसके द्वारा किया गया? अब्दू इस्तमन द्वारा। ऊंटी पर्वतीय स्थल किस राज्य में है? तमिलनाडु में। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में
मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मिथेन। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? अनुच्छेद 300। थके हुए खिलाड़ियों को क्या लेने लेने की सलाह दी जाती है? कार्बोहाइड्रेट। किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कन्याकुमारी किस राज्य में है? तमिलनाडु में। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। एट शॉर्ट ए मिस्ट्री के लेखक कौन है? अभिनव बिंद्रा। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी है? के इस्तानंद ने। विदेशी पूंजी संस्थानों की लूट और शोषण का जरिया है, ये किसने कहा? दादा भाई नौरोजी ने। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। भारत की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाता है? मिथेन को। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? मामलमपुर में। पृथ्वी के अलावा किस एकमात्र ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है? मंगल पर। ऑक्सी शोषण में अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO तथा जल। स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में घोड़ों की हड्डियां प्राप्त हुई? सुरकोटडा। किसने दिल्ली स्लो का नारा दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस पल्लव शासक के समकालीन थे? दंतियम। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। किसने करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी ने। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1893 ईस्वी में। राष्ट्रीय आय के आकलन में मृत्यु डॉस की गणना किस पर की जाती है? केवल पूंजीगत वस्तुओं पर। वस्त्र बुनने की कला किस काल से प्रारंभ हुई? नवपाषाण काल से में। किसने कहा आराम आराम है? जवाहरलाल नेहरू ने। सेल्सियस पैमाना को पूर्व में क्या कहा जाता था? सेंटीग्रेड पैमाना। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमादकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50 LNG का प्रमुख संगठन कौन सा है? मिथेन। कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया? कुतुबीन बख्तियार काकी की। किसने कहा इलेक्ट्रे ए गवर्नमेंट द वर्क? इंदिरा गांधी ने। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? 0 आवर। भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र को सर्वाधिक योगदान है? तृतीय क्षेत्र का। देवगिरी वारंगल द्वार समुद्र मालाबार एवं मथुरा विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना को सेनापति कौन था? मलिक काफूर। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? PTI। किसे रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? विटामिन को। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? इटली का। किस स्थल पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं? साउथैम्पटन में। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक योजना कब लागू की गई थी? 1 जुलाई 1997 में। आध्यात्मिक क्षेत्र में किसका शिवाजी के आसन पर सर्वाधिक प्रभाव था? रामदास का। द टाइट
टाइम्स किस देश का सबसे प्रमुख समाचार पत्र है? ब्रिटेन का। ठीक किस अम्ल को एस्प्रियन कहा जाता है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल को। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। वसा विटामिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं की जाती है? विटामिन से। डसो का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में हुआ? बैदरा के युद्ध में। द टाइम्स मुख्यतः किस शहर से प्रकाशित होता है? लंदन से। किस खाड़ी में ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई होती है? फंडी की खाड़ी में। वेस्टर कप ए कॉल्ड्रे पार्क सोन कप किस खेल से प्रदान की जाते हैं? पोलो में। विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश कितना है? 40%। 1759 के बैदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइन ने। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। थर्मोकपल किसने बनाया जाता है? दो अदृश्य धातुओं से। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहे? जवाहरलाल नेहरू। द्रवित अमोनिया का उपयोग किस उपकरणों में किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में। हरिजन सेवक संघ के कौन संस्थापक सचिव थे? ठक्कर बाप्पा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का स्थित है? नई दिल्ली में। कौन सा पठार एशिया का छत कहलाता है? पामिर का पठार। विश्व में सर्वाधिक बकरियां किस देश में पाई जाती है? भारत में। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? सैनिक आधारभूत उद्योग। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। विटामिन डी के सृजन में किस तत्व का उल्लेखनीय योगदान है? कैल्सीफेरॉन। मंत्रिमंडल में कैसे मंत्री होते हैं? सिर्फ कैबिनेट मंत्री। शोल वंश के किस राजा ने सर्वप्रथम भू निरीक्षण करवाया? राजराज प्रथम ने। किसने 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने। केंद्रीय मृदा द्वारा प्रताप अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। दक्षिणी आल्पस पर्वतमाला किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड में। बेलूर्स मठ की स्थापना विवेकानंद ने किस वर्ष में की थी? 1896 ईस्वी में। कृषि विपणन के विषय में कौन अघटन जानकारी प्रकाशित करता है? अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभाग। सीरिया के राजा एंटीयोकस ने किसने मदिरा मुखे अजीरे दार्शनिक मांगा था? बिंदुसार ने। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है जबकि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है, क्यों? धातु उष्मा का उच्चालक है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। कॉर्बेरेडम के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। लाहौल से पर्वत श्रेणी किस देश में है? नेपाल में। विमान चालक के बैठने की जगह क्या कहा जाता है? कॉकपिट। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? भारत। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उपराजा था? उज्जैन का। विश्व काला मोतियाबिंद दिवस कब मनाया जाता है? 13 मार्च को। टमाटर बंद गोभी प्याज शलजम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है पाया जाता है? विटामिन सी। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। किस यंत्र द्वारा अंतर्देयांत पेट्रोल इंजनों में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है? कार्बोरेटर द्वारा। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षा द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर द्वारा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महादेश में है? ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालीन कारण क्या था? बेस्टन की चाय पार्टी।
पार्स जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्गों के विकास से उसे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? गौड़ी संप्रदाय। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सलोरिन। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा को। कौन सा हार्मोन शरीर का विकास करता है? थायरॉक्सिन। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। एक राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। किस महासागर में महासागरी धारा की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है? हिंद महासागर में। वाटर पोलो खेल प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? विलियम विल्सन को। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? स्थाई बंदोबस्त से। हरियाणा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। रेफ्रिजरेटर में फ्रिज पेटुका को ऊपर रखा जाता है, ये किसका उदाहरण है? सहवन का। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 47। द्रव के रूप में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? पारा ब्रोमीन। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1820 में। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किस जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार शिकार और मत्स्य पालन है? युकाधिकार। भारत में किस पशु को गरीबों की गाय कहते हैं? बकरी को। रुपया को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तन कब घोषित किया गया? 19 अगस्त 1994 को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पहली बार भारतवासियों की नियुक्ति ऊंचे पदों पर की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक के। भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोटक कहाँ हुआ? पोखरण में। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। एक वर्ष में कम कितनी बार संसद में को बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। अमीर खुसरो की किस कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है? खाजन ऊ फतु में। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। लुसेंट हंसा किस देश की एयरलाइंस है? जर्मनी की। कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? चीन। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान में ऐतिहासिक उत्तरगामी अभियान का? गुजरात विजय को। वह दर की जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देता है वह क्या कहलाती है? रेपो दर। उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किस नगरों में से प्राप्त होते हैं? रंगपुर और रोजड़ी से। ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस किस देश की वायु सेवा है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। जल के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो तो क्या होगा? शरीर डूब जाएगा। इलाहाबाद उस न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1867 ईस्वी में। एक मॉल किसके समतुल्य होता है? 6.023 × 1023 के बराबर। कालीबंगा स्थित राजस्थान के किस जिले में है? गंगानगर में। भारत में व्यापार वायु सेवा की स्थापना किसने की थी? JRTD टाटा ने। बदू जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरब के मरुस्थल में। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जिसका प्रयोग विविध संचार प्रेक्षणों के लिए हुआ कौन सा था? एप्पल। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। विश्व का वह एकमात्र देश जिसमें महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? इजराइल। सुल्तान बनने के लिए पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का। अलना में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 2। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई? गुजरात में। अर्धशालक की शालकता 0 डिग्री के अच्छे ताप पर कितनी होती है? 0। किसे जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खा के नाम पर उसका नाम खिजराबाद रखा? मेवाड़ को। सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत कहाँ स्थित है? तिरुपति आंध्र प्रदेश में। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका।
1781 ईस्वी उपनिवेश सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्निलिस। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 1955 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी सिराहुद्दीन बरनी की किस कृति से मिलती है? तारीख़ फिरोजशाही में। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मुंगेर, बिहार में। मॉल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एवोगाड्रो संख्या। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कौन रीला किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किस महापुरुष से संबंध है? विवेकानंद से। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? हटिया में। बाई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वनाथ आनंद। ग्राहक सेवा के उन्नयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रीन बैंकिंग चैनल कब प्रारंभ की? 1 जुलाई 2010 को। उड़ीसा में कंद विद्रोह का नेता कौन था? चक्रविसोई। कारगिल जवानों की सहायता के लिए किस संस्था ने श्रद्धांजलि जवान ट्रस्ट की स्थापना की? फिक्की ने। थर्मस बोतल की दीवार पर किसकी प्रत लगाई जाती है? चांदी की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इंदौर में। हाइड्रोजन के समस्थापकों की संख्या कितनी है? 3। कूका आंदोलन के किस नेता को पकड़कर रंगून भेजा दिया गया? बाबा राम सिंह को। स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन सा परिवहन किसी भी देश को सबसे सस्ता प्रदान करता है? जल परिवहन। गाय के ऊपरी जबड़े में कितने दांतें होते हैं? कोई दांत नहीं होते। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 60%। कौम में प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। किस देश के डाक टिकट पर हेलवेसिया लिखा होता है? स्विट्जरलैंड के। भारत के किस बैंक ने सर्वप्रथम विभिन्न शहरों में स्थित अपने कार्यालयों को उपग्रह नेटवर्क से जोड़ा? भारतीय स्टेट बैंक ने। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? राष्ट्रपति का। बिहार के मुंगेर जिले के राम विलास सिंह किस पार्टी के सक्रिय सदस्य थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के। किसकी दृष्टि में क्रिस्प प्रस्ताव एक टूटते बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? महात्मा गांधी के। हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता कौन है? निष्कामेश्वर मिश्र। भारत की सबसे लंबा नौगम्य नहर कौन सी है? बकिंगम नहर। हैदराबाद के किस शासक को निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है? चिन की छी का को। जवाहर ग्राम स्मृति योजना किस योजना का नया नाम है? जवाहर योजना रोजगार योजना। जतिन दास किस षड्यंत्र के सहभागी सह अपराधी होने के कारण गिरफ्तार हुए? लाहौर षड्यंत्र के कारण। सचिन तेंदुलकर को पूरा नाम क्या है? सचिन रमेश तेंदुलकर। किसी गैस का ताप किस पर निर्भर करता है? गैस के अणुओं की ऊर्जा पर। जम्मू व कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति। सर्वाधिक जनसंख्या में समस्थापक किनके पाए जाते हैं? पोलोनियम के। इसने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया? बल्बन ने। मिकी हाउस किसकी कृति है? वॉल्ट डिज्नी की। किस नदी के मुहाने पर हैमबर्ग नगर अवस्थित है? एल्बे नदी।
एप्पल का प्रक्षेपण किस तिथि को हुआ था? 19 जून 1981 को। राजीव आवास योजना के प्रथम चरण को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी कब प्रदान की गई? 2 जून 1911 को। राज दरबार में किसकी सीजदा एवं पाबोस की प्रथा प्रारंभ की? बलबन ने। दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन कब हुआ था? 14 मार्च 1995 को। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? लैक्टिस लैक्टिक अम्ल। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? लोह एवं रक्त नीति। जावा एवं सुमात्र किस देश के प्रसिद्ध द्वीप है? इंडोनेशिया के। मिसिसिपी एवं मिसूरी नदी के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? सेंट लुइस। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का सर्वप्रथम नेता कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन। राष्ट्रीय मार्ग आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई? 3 जून 2011 को। 1857 ईस्वी के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं दी थी? शिक्षित मध्यम वर्ग ने। चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? धुंधराज गोविंद फालके। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री। निमोनिया, गनोरिया, फोड़े पुंछी आदि के उपचार के लिए बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? पेंचिलिन। 1857 के विद्रोह का इलाहाबाद का नेतृत्व तो किसने किया था? लियाकत अली ने। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को। ग्रेट कुली बांध किस नदी पर स्थित है? कोलंबिया नदी पर। फिडे तैंकधारी कौन सा खेल खेलते हैं? शतरंज। संगम योजना का उद्देश्य क्या है? विकलांगों के कल्याणों में वृद्धि। 1857 ईस्वी विद्रोह का बरेली में नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने। ये राम फिल्म के निर्देशक कौन थे? कमल हसन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, ये कण क्या कहलाते हैं? फोटोन। पंचायत के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने बनाया? डैनी डेवी डेवी ने। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ? पवन पवनार में। राज कपूर की पहली बार फिल्म में काम के राज कपूर ने अपनी पहली किस फिल्म में काम किया? इंकलाब में। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जीव का होता है? बकरी का। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से होता है? उत्पाद शुल्क से। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? विनोबा भावे को। आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश। संतानों उत्पत्ति को कम करने के लिए पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैसेक्ट्रोमी। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। हड़प्पाकालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में खोजा गया? गुजरात में। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए द्वितीय सत्याग्रह के रूप में किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू को। गोदान किसकी कृति है? प्रेमचंद की। काजीरंगा नेशनल पार्क असम के किस जिले में स्थित है? जोरहट में। 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का? वीडी सावरकर ने। वह कर जिनका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है क्या कहलाती है? आनुपातिक कर। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? वजीर। लोग भूल गए किसकी रचना है? रघुवर सहाय की। जब प्रकाश के लाल राव और नीला रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो परिणयगामी रंग कौन सा होता है? सफ़ेद। पंचायत समिति का गठन किस पर स्तर पर होता है? प्रखंड स्तर पर। कौन सा पदार्थ अमोनिया की हेबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के रूप में निरोधक का कार्य करता है? CO।
एकता प्रथा किससे प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। उर्वशी किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की। बेदान थांगल पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। इसरो द्वारा सूर्य के प्रभाव मंडल के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित किया जाने वाला उपग्रह कौन सा है? आदित्य। वह कर जो उत्पादन की प्रत्येक व्यवस्था पर मूल्य में होने वाली वृद्धि के आधार पर लगाया जाता है उसे मूल्य संवर्धित कर। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने। कागज पे कनवास किसकी रचना है? अमृता प्रीतम की। किस रोग की रोकथाम के लिए MDT दवाई का उपयोग किया जाता है? कोड का। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुखिया। किन रंगों का समीकरण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा। अठारह से लेकर 1900 ईस्वी में पड़े अकाल के विश्लेषण हेतु एक अकाल योजना की स्थापना किसने की? लॉर्ड कंजन ने। आनंद मठ किसकी रचना है? बकिम चंद चटर्जी की। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक के किस जिले में है? मैसूर में। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। मालगू जारी तथा मनोरंजन करों को कौन आरोपित और उपभोग करता है? राज्य सरकार। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण 1910 ईस्वी में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के। नील दर्पण किसने लिखा है? दीन बंधु मित्र ने। किस प्रक्रम में वेनेडियन पेंटाक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया गया? संस्पर्श प्रक्रम। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38 में। सुरामिन नामक दवा का उपयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? एड्स। किस वायसराय के शासनकाल में 1945 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ? लॉर्ड वेवेल के। स्वयं प्रास औषधि किस ग्रंथ के वर्णन के आधार पर बनाया गया? चरक संहिता। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर में। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रतीक का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 1967 ईस्वी में। जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? संतुलन स्तर बिंदु। अनिश्वरवाद के संबंध में किन दो धर्मों में समानता है? बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म। रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा शिष्य ऑस्कर पुरस्कार प्राप्तकर्ता बना? सत्यजीत राय। किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे परावर्तित करता है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? संसद। सार धातु को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाता है? आइए। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास का मैदान क्या कहलाता है? लानोज। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? वर्णिकी लवक। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? भारत की। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? ब्राह्मी लिपि में। फिल्मेयर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1952 ईस्वी में। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। भारतीय संसद के किस वर्ष में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसको एक दंडनीय अपराध घोषित किया जाता है? 1955 ईस्वी में। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन मुख्य स्थल का क्या नाम है?
सुतकांगेडोर प्रथम मुगल शासक कौन था जिसे बंगाल के खिलाफ सैन्य अभियान किया हुमायूं। भारत में सिनेमा जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कर्नाटक के मध्य घास का मैदान क्या कहलाता है? प्रेई। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से 1857 के लेखक कौन है? वीडी सावरकर। भारत के संसद कोष से धन की निकासी किसकी अनुमति से संभव होती है? संसद की अनुमति से। चौंकाने वाले उद्यानों का प्रचलन भारत में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? बाबर द्वारा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल से। लाल कांस को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है? हरा। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? 24वें संशोधन द्वारा। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना जाता है? अकिरीय तत्व। लाल कुंवर नाम की गणिका किस मुगल शासक के समय राजकाल अति प्रभावशाली थी? जहांगीर जहादार शाह के। अर्जुन पुरस्कार के पुरस्कृत प्रथम महिला कौन थी? एन लम्सडेन। चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? मेक्सिको। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? श्री हरिकोटा में। भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? घरेलू क्षेत्र से। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? सलीम दुर्रानी। कोशिकाओं के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? साइट्रोलॉजी। संविधान सभा के लिए चुनी गई महिला किस पार्टी से संबंधित थी? कांग्रेस पार्टी। यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर ले तो वह क्या कैसी दिखाई देगी? काली। ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की घोषणा कब की? 3 जून 1947 को। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल प्रशिक्षण से। किस शहर को विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है? पीटर्सबर्ग। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? अमेरिका में। प्रत्येक प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के अंत में क्या लिखना जरूरी होता है? प्राइवेट लिमिटेड। किसे सीमांत गांधी की उपाधि प्रदान की? खान अब्दुल गफार खान को। कौन सा पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नोबेल तुल्य पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध है? एबल पुरस्कार। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तांबा। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वासन कहाँ से हुआ था? बम्बई से। कोशिका विभाजन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है? सेंटोसोम में। बाधा की गुफा का निर्माण किस काल में करवाया गया? गुप्त काल में। ऑस्कर पुरस्कार की अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? एकेडमी अवार्ड से। किस देश में ट्यूलिप्स की खेती सर्वाधिक होती है? नीदरलैंड में। 19वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाता है? नई दिल्ली में। अच्छे लोग अच्छा बैंक किस देश बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आयुर्वेदा सारे धवंत किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। राष्ट्रीय एकात पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म में कौन सा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है? नरगिस दत्त अवार्ड। क्यूप्राइट का रासायनिक सूत्र क्या है? CuO2 CuO। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने भारतीय संविधान की वैधता को ही चुनौती दी? विंस्टन चर्चिल ने। 1911 ईस्वी में किसने खगोलीय दूरबीन का निर्माण किया? कॉपलर ने। कार्यस्थलों का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति ग्रंथ में मिलता है? ज्ञानवाक्य स्मृति में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है? 10 लाख रुपये। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम ध्यान रखता है? जापान।
इन्हें समुद्री अर्चिन कहा जाता है। इकाइनस तथा स्ट्रेटोस्फेरिक इजी ड्रेसिंग फॉर सेल्फ मेड मैन किस वस्त्र उद्योगी विज्ञापन कंपनी पंक्ति है ग्रासिम। डी ने इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था अब्दुल फजल। किस नृत्य शैली में राधा और कृष्ण की लीलाओं का आयोजन किया जाता है मणिपुरी में। नहीं कोशिका उत्पत्ति किस क्रिया से होती है कोशिका विभाजन से। चार शेर वाले आकृति भारत का राजचिन्ह संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ मालाबार क्षेत्र में। दिन ए इलाही को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला कौन सा हिंदू राजा था बीरबल। किस शास्त्रीय नृत्य का नाम सादिर व अट्टम था भरतनाट्यम का। ब्राजील की धारा कैसी जल धारा है गर्म जल धारा। गिरिनाल पर्वत पर स्थित सूर्यदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया इसका नंद गुप्त ने। भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है बैंक ऑफ बड़ौदा की। किसने सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला विकसित की थी असमत बेगम ने। चक्रधारी फेलोशिप किसके लिए दी जाती है शास्त्रीय नृत्य के लिए। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है दूरदर्शी। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का आर्यात इंडिया राज्यों का संघ होता है अनुच्छेद 1 में। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है कॉपर सल्फेट। किस क्षेत्र के किसानों ने एका आंदोलन चलाया अवध क्षेत्र के। शेरोन लोवन किस नृत्यों से संबंध है ओडिसी मणिपुरी एवं चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है शास्त्रीय नृत्य के लिए। दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है दूरदर्शी। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा शेरोन लोवेन किन नृत्यों से संबंध है ओडिसी मणिपुरी छऊ। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है सुप्रियल झील। पीपला मूल के फल किसके संक्रमण दूर करते हैं प्रोटोजोआ के। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है एडम स्मिथ को। प्रतापगढ़ जिले का कौन सा गांव किसान सभा की गतिविधियों का केंद्र था खरगांव। नौका दौड़ किस राज्य का अनोखा आयोजन है केरल का। कोल्ड स्टोरेज में सामान को सुरक्षित रखने के लिए के आदर्श आवश्यक तापमान क्या है 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता के है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग से। दूरबीन का आविष्कार किसने किया गैलीलियो ने। कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भागोलिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है निमाड मध्य प्रदेश में। किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल न्यूनतम है बुध का। विश्व में प्रजातंत्र की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई अमेरिका में। ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ मार्केट अर्थव्यवस्था और निर्वाह अर्थव्यवस्था दोनों हो क्या कहलाती है दोहरी अर्थव्यवस्था। मार्च 1944 ईस्वी में इंडियन नेशनल आर्मी ने किस पर कब्जा करके वह तिरंगा ध्वज फहरा दिया था इम्फाल पर। तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है ग्वालियर में। 3 की अधिक मात्र युक्त काश्य क्या कहलाता है श्वेत काश्य। संविधान के किस अंग में सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था चर्चित है प्रस्तावना में। दूध के खराब होने का कारण कौन सा जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक के आंख से आंसू पोंछना होगा यह कथन किसका है महात्मा गांधी का।
लाई आरोबा किस राज्य का प्रमुख पर्व है? मणिपुर का। सौरमंडल के किस ग्रह को अपने कक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? बृहस्पति। किस भारतीय निशानेबाज ने सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता? राजवर्धन सिंह राठौर ने। जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत किसके प्रतिपादन किया था? माथलस ने। किसने कहा मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ? जवाहरलाल नेहरू ने। केदारनाथ में किसका मंदिर है? शिव का। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सलोरिन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसने निहित है? भारत के जनता में। कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? निकेल। किसने सामंत बीमल के आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनाया? भीम प्रथम के। गंगोत्री किस राज्य में है? उत्तराखंड में। किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम है? नेपच्यून। मानव हृदय में कक्षों की कितनी संख्या होती है? 4। राजनीतिक अर्थशास्त्र पद का सर्वप्रथम प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया था? प्रो पिगु ने। छिदपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जयसिंह ने। उत्तराखंड में तपोवन कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में। सबसे बड़ा एनजीओ इसमें पौधा कौन सा है? यूके लिप्टस। उपराष्ट्रपति बनाने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। ऋग्वेद में जनपद शब्द कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? एक बार भी नहीं। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह प्रथम चोड़गंग ने। प्राचीन तीर्थ स्थल विंध्याचल किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। संस्कृत का प्रसिद्ध कवि श्री हर्षवर्ष किसके दरबार में रहता था? जयसंत के। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन सा होता है? प्रधानमंत्री। किसने ऐसे बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की? बाबर ने। मालदीव की राजधानी का है? माले। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाट के मापन पर। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? मैगजीन की। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। मालदीव किस महादेश का एक देश है? एशिया महाद्वीप का। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान के अक्षांश का मान कितना होता है? 0 डिग्री। हल्दी और नीम से बना महरम किस रोग में अत्यंत उपयोगी है? इसके बीज नामक त्वचा के रोग में। योजना आयोग के उपाध्याय का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कोई वर्ष का नहीं, कोई सीमा नहीं होती। किस शासन के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है? शाहजहां के। बीजिंग किस शहर का नया नाम है? पेंगिंग का। विश्व का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? रेसलेसिया आर्नोल्डी। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प किस सदन में पेश किया जाता है? केवल राज्यसभा में। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? 106 ओम। भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बिहार में। रंगून किन शहर का पुराना नाम है? यांगून का। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। विश्व में सर्वप्रथम धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में। कौन सा आयोग देश के भौतिक पूंजीगत तथा मानवीय संसाधनों को प्रमाणिमा लगाता है? योजना आयोग। कौन दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद दत्त। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेल्जियम में। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम। राज्यसभा में संकल्प पेश करने के लिए कितने दिन उपराष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है? 14 दिन। किस पौधे का
फल भूमि के नीचे पाया जाता है। मूंगफली का रेल विभाग के लिए पृथक रेल बजट का प्रारंभ किया गया 1921 ईस्वी में। नोटों की स्थापना कब की गई? 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। चंद्र ग्रहण किस तिथि को घटित होता है? पूर्णिमा के दिन। लंदन ओलंपिक 2012 में भारतीय दल के ध्वज वाहक कौन थे? सुशील कुमार। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में है? छांदोग्य उपनिषद में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1967 ईस्वी में। ट्यूबलाइन में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70% भाग। अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन सा सदन करता है? राज्यसभा। सबसे भारू धातु कौन सा है? ओस्मियन। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। आसियाना आसियान की स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967 ईस्वी को। पृथ्वी को अपने कक्ष पर एक बार घूमने में कितना समय लगता है? 23 घंटा 56 मिनट 48 सेकंड। कौन सा हार्मोन अग्नाशय को उत्तेजित कर अग्नाशय रस का स्राव नियंत्रित करता है? सीक्रेटिन। हिंदू समवर्ती दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? प्रो राजकृष्ण ने। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक मिशन शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। लौंग पौधे के किस भाग में से प्राप्त होता है? पुष्पकली से। भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। नंद वंश के किस शासक ने एकराट सर्वशस्त्रांतक और द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण की थी? महापद्य नंदन। विजयनगर में दासों के क्रय विक्रय को का क्या कहा जाता है? बैसवग। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। 1993 ईस्वी में लातूर भूकंप के कारण तबाह हो गया था। लातूर भारत के किस राज्य में? महाराष्ट्र में। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें छापी गई? औरंगजेब के। कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? तृतीय क्षेत्र। अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इब्राहिम सरकी ने। राष्ट्रीय यूनानी संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। विद्युत कैथली विद्युत धारा के किस प्रकार के प्रभाव की युक्ति है? तापीय प्रभाव की। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना वर्ष निर्धारित है? 30 वर्ष। नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख व्यापारिक उद्योग किसके दरबार में होता है? अमोनिया के। पंजाब में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में। समभूकंप रेखा किस प्रकार का होता है? अनियमित। हरित रसायनों की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस वर्ष में की गई? 1991 ईस्वी में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा हरियाणा के किस जिले में एक रिफाइनरी की स्थापना की गई? पानीपत जिले में। स्थायी बंदोबस्त किससे दिया गया? जमींदारों से। बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? राइजोबियम। राज्यसभा की गण पूर्ति उनके कितने सदस्य संख्या से होती है? 1/10 सदस्य संख्या। प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर किसकी वापस होती है? पारा की। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल की सबसे लंबी महत्वपूर्ण घटना थी? लॉर्ड हार्डिंग के।
समग्र क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। डैम बंद किस प्रकार का ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख पहरी किसे माना जाता है? विश्व व्यापार संगठन को। किस गवर्नर जनरल ने नरबलि तक प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? लॉर्ड हार्डिंग ने। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। नाइट्रोजन यौगिकों का नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन ये भत्ते किस माध्यम के दिए दिए जाते हैं? भारत के सचिव निधि से। किसी जानवर के दूध देने की क्षमता क्या कहलाती है? पेडिग्री। सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए? हड़प्पा सभ्यता से। ग्रीव दिवस कब मनाया जाता है? 28 जून को। किलिमजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? मर्द ज्वालामुखी। अमेरिका ने दास व्यापार का कब प्रतिबंध लगाया? 1808 ईस्वी में। भारत में भौगोलिक मूल सूजन किस राज्य में सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में। ऋग्वेद के तीसरे प्रधान देवता कौन थे? सोम। थल सेना के कमीशन्ड अधिकारियों में सर्वोच्च पद कौन सा है? जनरल। सूर्य में ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? नाभिकीय संलयन से द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 1 लाख रुपए। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को। राजा की उत्पत्ति का प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? यत्र ब्राह्मण। नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? तंजानिया। पोटेशियम अल्पता की कमी से कौन सा रक्तस्राव होता है? निम्न रक्तस्राव। भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में सर्वोच्च 2 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब और हरियाणा। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। नौसेना के पूर्व कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? आंवला को। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 90,000 रुपये। हड़प्पा सभ्यता की आयत का मोहरे सामान्यतः किससे बनी है? सैल खड़ी से। शेषद उस सलातिन उपाधि किसने धारण की? फिरोज शाह तुगलक ने। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। रबड़ का कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश का है? इंडोनेशिया का। 1857 ईस्वी में नाना साहेब ने किस स्थान पर विद्रोह की कमान संभाली थी? कानपुर में। भूमि को स्वामित्व धारण करने की अधिकतम सीमा क्या कहलाती है? सीमा बंदी। समकालीन सैन्य अवस्था का आधार मंगोल सैन्य अवस्था की कौन सी प्रणाली है? दशमलव प्रणाली। भारत के किस राष्ट्रपति ने भारत की धर्म निरपेक्षता को स्थिरता पूर्वक सर्वप्रथम सर्वधर्म संभव कहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। नाभिक का आकार कितना होता है? 10.10 मिलीमीटर। कौन सा न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है? सर्वोच्च न्यायालय। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेडिस ने। भारत ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एम एन जोशी ने। तोहरा किस समुदाय का पवित्र ग्रंथ है? यहूदियों का। किस किस्म की कपास को भारतीय कपास कहते हैं? सूटे रेशे वाले कपास को। विश्व की कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? राइन नदी। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा सरा होता है? जोखिम उठाना। रैनियत वाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? मद्रास में। कोर्सिका द्वीप किस महापुरुष से संबंध है? नेपोलियन बोनापार्ट से।
पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बेलिंग। 13वें वित्त आयोग के अक्सर अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर। ई इक्वल KM2C फार्मूला किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। थॉमस मुनरो किस भूमि व्यवस्था से संबंधित था? नैनीतावादी अवस्था से। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश का। विश्व का सबसे बड़ा जूट का उत्पादक देश कौन सा है? बांग्लादेश। अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? व्हाइट हाउस। भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति के वर्णन है? 10वें मंडल में। ईटीए किस देश का आतंकवादी संगठन है? स्पेन का। काजल में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? 95%। राज्यसभा आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया? 1995 ईस्वी में। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? सानेन। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। आमार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रीय गीत है? बांग्लादेश का। तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? आंध्र प्रदेश। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। स्काउटिंग के संस्थापक कौन थे? बेडल पावर। किसने बताया कि प्रत्येक द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है? आइंस्टीन ने। राज्यसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। प्रोड्यूसर गैस और जल गैस के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। पूर्णत केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती है? खालसा भूमि। वह कौन सा देश है जिसने पुनः 12 वर्षों के अंतराल पश्चात यूनेस्को की सदस्यता ग्रहण की? ब्रिटेन। विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश में है? भारत में। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। किस भारतीय राज्य का वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से? जम्मू कश्मीर। किसने अपनी राजधानी गुलबर्ग से हटाकर बीदर में स्थापित की? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। ऑकलैंड किस देश का प्रसिद्ध शहर है? न्यूजीलैंड का। दोस्तों, आज के लगभग 1000 1000 क्वेश्चंस पूरे हुए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें, और यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।